का दिन मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लग रहा है कि आज भी ये सपना ही है मेरे लिए। सपना नहीं है, मतलब सच है अभी। नमस्कार, अरुण निगम मेरे ख्याल से कुछ 10 साल 15 साल 18 years। अच्छा, सलमान खान का इंतजार 17 year। नहीं, वो तो 19 है, लेकिन 2 साल मैंने। तो काफी सालों से सलमान जी के बहुत बड़े फैन हैं, उनको मिलने की उम्मीद में ये गाना भी बना लिया। हम कोशिश भी करते तो ये गाना भी नहीं बनता हमारा तो। लेकिन लिखा बहुत अच्छा है, बहुत इमोशंस के साथ लिखा है, बहुत अच्छी धुन है, बहुत अच्छा गाया है आपने और उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि हम सबकी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं और ज़रूर वो दिन दूर नहीं जब सलमान खान खुद फ़ोन करके आपको अपने घर पे बुलाएंगे। बहुत बेस्ट। और जिन जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके सारे प्रोड्यूसर्स, सोनी जी, आपके एक्टर, सबको थैंक यू वेरी मच आपकी तरफ से। और आप उनको मिले बगैर जाना नहीं अभी, ठीक है ना? झंडा लेके खड़े हो जाना नीचे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब ऋषि जी, नमस्कार आप सबको। सलमान का कल बर्थडे है तो सबसे पहले हम सबकी तरफ से सलमान हैप्पी बर्थडे भाई। अजय तुम्हारा फैन। अजय, एक बात तय है कि सलमान तक पहुंचने के दो ही तरीके थे, या तो तुम फैन बन के पहुंचते अरुण, या तो तुम फैन बन के पहुंचते या तुम आर्टिस्ट बन के पहुंचते। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने आर्टिस्ट बन के पहुंचना बेहतर समझा। फैन तो बहुत सारे हैं उसके, लेकिन आर्टिस्ट बन के पहुंचना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल माने नहीं रखता है। माने अगर कुछ रखता है तो वो है आपकी स्ट्रॉन्ग विल, आपका जज्बा, कुछ करने की नीयत। यहीं से हम सब लोगों की कहानी सुनी हुई है, कुछ नहीं से बहुत कुछ बने हुए हमारे पास एक्टर आज भी है। तो आपने मेहनत की, एक अच्छा रास्ता चुना, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जो हो रहा था उसे आपने समझा और आज आपने उसे पर्दे तक पहुंचाया। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और इसी को पॉलिश करिए अच्छा, इसमें और दिल लगाइए। और मैं देख रहा हूं कि आपके बहुत सारे संबंधी यहाँ आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आपने इसका साथ दिया। और हमें बेहद खुशी है कि मुझे बेहद खुशी हुई आज, जैसे सारा मैं भी यहाँ आया, जब मुझे कहा आपके बारे में तो मेरे दिल से आवाज आई कि ऐसे नए कलाकार के पास जरूर पहुंचना चाहिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट। और सलमान भाई, आप सबको मिलते हैं, ये आपका एक सही चाहने वाला है, थोड़ी जगह बना लीजिए इसके लिए। थैंक यू। अब बाड़ी है भैया खतरनाक दाढ़ी वाला। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल मुखातिब हूँ। मुकेश जी ने तो बोला बिल्कुल सही बोला, और ये सीटी जो है ये रुकने का नाम नहीं लेगी मुझे। सर थोड़ा पास में रखिए, थोड़ा नजदीक। अरुण के लिए मैं बहुत, मैंने अभी गाना सुना नहीं आपका, बट जब मुझे कॉल आया तो सेम एग्जैक्टली मुझे भी वही फील हुआ जैसा मुकेश जी को फील हुआ, कि किसी एक ऐसे इंसान जो कि नियत साफ करके कुछ करना चाह रहा है इस इंडस्ट्री में और अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। तो अभी जिस तरह की तारीफ सुदेश जी ने की, मुकेश जी ने की, मुझे लगता नहीं कि मुझे वो गाना सुनने की भी जरूरत है, क्योंकि ये लोग बहुत महारथी, दिग्गज, अपना लोहा मंडवा चुके वाले लोग हैं। और मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ। वेजिटेबल्स का काम आप करते थे तो वो वेजिटेबल्स जो है वो बड़ी सही खा रहे थे आप, क्योंकि उससे आपके शरीर में ताकत आई और दिमाग को एनर्जी मिली और दिमाग ने एकदम सही सुपरस्टार का चयन किया और आप उसके फैन बने। तो ये उन सब्जियों को भी क्रेडिट जाता है जो आपने खाई है, क्योंकि उसने आपको
सही पहचान बता दी कि हिंदुस्तान का असली सुपरस्टार बीइंग ह्यूमन एक ही है, वो है हमारे सलमान भाई। और मैं प्रॉमिस करता हूं आज मीडिया के सामने, आप सबके सामने, क्योंकि मैं अभी यहां से घर जाऊंगा और चेंज करूंगा और राज में रवि के साथ में हूं, आज उनका बर्थडे कल है और हम सेलिब्रेट करेंगे आज उसको, सो मैं जरूर आपका जिक्र करूंगा, जरूर करूंगा। और मैं प्रॉमिस, थैंक यू, हर हर महादेव, बोलेगी फौज करेगी वॉइस। नमस्कार, मैं पवन शंकर, बहुत बड़े कलाकार हैं ऋषि जी, सुरेश जी, तो बचपन में हम लोग सुनते आए थे, इन लोगों को परिचय की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी अभी भी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान की जहाँ तक सोच है वहीं तक उसकी उड़ान है। आपने सोचा इसलिए आपने उड़ान भरी, काबिले तारीफ है। थोड़ा अलगपन था जब इन्वाइट आया, इसका थोड़ा अलगपन था कि आप बहुत ही नीचे तबके से आपने सोच करी और उसको परिपक्व तरीके से मैच्योर करने की कोशिश की, जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इतना जज्बा, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको पहला कदम बढ़ाने के लिए आगे कहा कि मैं ये करके रहूँगा? कुछ था, माँ का साथ था या क्या था, खुद का जज्बा था? क्योंकि बहुत आपने जो जज्बा दिखाया है ना, हिंदुस्तान के कितने करोड़ों लोग हैं जो इस तरह का जज्बा रखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते वो पहला कदम बढ़ाने के लिए। एक शेर है, कहते हैं कि बस एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिलें तमाम उम्र हमें ढूंढती रहीं। एक शेर है, इसी को उल्टा करते हैं, बस एक कदम बढ़ा था मंजिल की ओर और मंजिलें तमाम उम्र हमें चूमती रहीं। तो एक कदम जो बढ़ाने की बात है, हम क्या करते हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दो कदम पीछे बढ़ाते हैं, भाई ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपकी सोच की तारीफ करता हूँ, आपने जिस सोच में ये किया, ये अगर ये संदेश मीडिया वाले जो चाहे जिसको बना दें, जिसको चाहे मिटा दें, अगर ये आपकी सोच हिंदुस्तान के एक एक कोने तक पहुंच सकती है कि आपने ऐसा किया और आपके बगल में जो खड़े हैं, देखिए आदमी एक कदम बढ़ाता है रास्ते बनते चले जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं, कारवा बनता जाता है, उन्होंने आपके बगल में खड़े हुए, आपकी किस्मत है कि उन्होंने बगल में खड़े हैं और उन्होंने बोला कि शाम को इस बात का जिक्र करेंगे। और सलमान भाई जाने जाते हैं दिल देने के लिए, दिल फेक आदमी है, मतलब जिसपे जान देना है तो लुटा देते हैं। मेरे ख्याल से आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी और एक सबूत होगा पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में, कि एक ऐसा किसी ने चाहा और उसको मंजिल मिली। हम चाहेंगे पूरी कायनात हमारे साथ उस चीज को पाने के लिए हमारे साथ लग जाएगी, आप इसके सबूत होंगे और हम देखना चाहेंगे आपकी आपकी मंजिल, और तहे दिल से हम लोग दुआ करेंगे कि आप इसको पाएं। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अरुण, तुम्हारे जज्बे का कदर करता हूँ और यही कहूँगा कि सारे दिग्गज लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं, स्पेशली पवन शंकर जी, उन्होंने भी यही कहा है, एंड इवन आई विल से द सेम थिंग कि बहुत जल्द आपको सलमान भाई खुद बुला लेंगे, क्योंकि और दूसरा मेन चीज़ ये है कि उनके सारे जो भी फैंस हैं सबको ये गाना दिल से छुएगा, बिकॉज हर एक को यही लगेगा कैसे मिलूं मैं, बिकॉज हर एक की जिंदगी का शायद वही एक सपना है, अपने उनको उनका एक कहते हैं ना लाइक उनके लव्स दे दिए उनको, एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट ऑल्सो। ठीक है, नमस्कार। मैंने अभी अरुण जी की आवाज़ सुनी, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, तो आई विश हिम ऑल द लक एंड सक्सेस, थैंक यू सो मच। I'd like Vinod Soli, the actor who's playing the fan in the video, to say a few words. Namaskar. अरुण भाई से छः महीने पहले मिले थे हम राजस्थान में, और अरुण भाई ने मैंने को ये सॉन्ग सुनाया कि विनोद भाई आपको ये रोल करने का है, आपका फेस थोड़ा सलमान भाई से मिलता है, और मैंने बोला कि मैं कभी कैमरा के सामने नहीं आया, कभी मैंने एक्टिंग नहीं किया, कभी रिहर्सल नहीं किया, मैं कैसे कर पाऊंगा, ना कि आपको करना ही पड़ेगा, मेरे को कोई बात नहीं, और मेरी वाइफ फैमिली के साथ इतना सपोर्ट था कि मेरे को इस फिल्म में लाए, और मेरे को सैटरडे संडे का टाइम निकाल के 20 दिन शूटिंग कंटिन्यू चला, और इसके सफर अरुण भाई का ही है सपोर्ट, थैंक यू। अरुण अब बोलो, सबने बात कर लिया, अब तुम बात करो, उसके बाद मुझे गाना दिखाने से। देखो ये बात पहले जवाब दे जी, किसने आपको सबसे ज्यादा एनकरेज किया था कि देखी जाएगी? जो एक ही सवाल है सर, और जवाब भी एक ही है, सलमान भाई की चाहत। अरे वाह, अरे क्या बात है, टाइटल लग रहा है, एक ही
किसी पिक्चर का टाइटल लग रहा है, सलमान भाई की चाहत। 12 से 3 देखो फिर मिलेगी राहत। हिम्मत के बारे में तो सर बोलते ना, बिना किसी सपोर्ट के तो इंसान कभी आगे बढ़ता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं मतलब तहे दिल से मैं अपनी प्रोड्यूसर दीपिका सोनी जी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि मतलब कि मतलब मैंने जब इनको सॉन्ग सुनाया तो ये सॉन्ग इनके दिल को टच कर गया। और विनोद भाई तो सर मतलब जिस तरह मैं सलमान खान का फैन हूँ, ये भी सलमान भाई के बहुत बड़े फैन है। तो मैंने इनको सॉन्ग सुनाया, मैंने बोला विनोद भाई ये करना है तो कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा। तो दीपिका दीदी ने मतलब सोचा ही नहीं कि यार अरुण तू पैसे लेके जाओगे, तुम्हारा तो कोई नाम है ही नहीं इंडस्ट्री में, कि आज तक तुमको किसी ने सुना नहीं। तो सबसे पहले कि उन्होंने मेरे पे भरोसा किया वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, उनका ऐसा मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अपने छोटे सलमान भाई विनोद भाई सोनी, मतलब इन्होंने कभी ये मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि ये प्रोड्यूसर है। मैंने बोला कि देखो विनोद भाई मेरे को ऐसा नहीं ऐसा सीन चाहिए, तो इन्होंने वो मेहनत की है। और ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दो नाम ऐसे हैं कि जिनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था, वो है मेरे डायरेक्टर, मेरे बड़े भाई, मेरे भगवान सलमान भाई के बाद अगर किसी का नाम लूंगा तो वो लूंगा मैं सागर सहाय और गौरव कुमार का। तो सागर सर जी को मैं बोलूंगा कि प्लीज यहाँ पर आइए, वो लेट आए सर। अच्छा, मतलब इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम ही कम है। आइए सर, आपकी नदी अब सागर में मिल चुकी है, आइए। और मैं गौरव भाई आप आइए प्लीज। मैंने मतलब जितने भी बार इनको बोला कि गौरव भाई मेरे को यार देखो यहाँ पर ये म्यूजिक नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो मतलब मास्टर मिलते ओनली 3, लेकिन जितने भी मास्टर दिए इन्होंने मना नहीं किया मेरे को कि अरुण भाई मैं नहीं करूँगा। मैंने बोला मेरे को ये चीज पसंद नहीं आ रही, आपको ये करना है, तो इन्होंने किया, कभी हार नहीं मानी। इसके लिए प्लीज गौरव भाई यहाँ पर आइए। और हमारा ऑडियो तो पूरी तरह से बन गया, वीडियो भी पूरी तरह से बन गया, लेकिन अभी मतलब सवाल ये था कि जब मैं राष्ट्रीय में ये सॉन्ग मैंने एसपी सर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि अरुण गाना तुमने बहुत अच्छा बना लिया है, लेकिन इसको आप प्रेस रिलीज नहीं करोगे तो सलमान भाई तक ये मैसेज जाने वाला नहीं है। तो अभी इतना बड़ा इवेंट करने के लिए चाहिए थे पैसे, और पैसे तो हमारे पास थे नहीं। तो बोलते ना कि एक फरिश्ता बनकर मेरे लाइफ में आए दो लोग जिनका नाम है ख्याति और जय तिलेकर, और उनकी वजह से आज ये सब हो पा रहा है। और मेरे फ्रेंड मनोज भाई राठौर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को, अशोक भाई हाड़िया, मतलब इन्होंने मेरे को कभी थकने ही नहीं दिया। बोलते ना कि अब मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी, तब ये सब फरिश्ते बनकर मेरी लाइफ में आ गए सर, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सागर सर कुछ बोलेंगे। अरुण जी ने बोला है कुछ बोलने को, हम लोग सब लोग लाइफ में हम सबकी कुछ ना कुछ क्वेस्ट होती है, हम चाहते हैं कि कुछ करना। और जब अरुण जी ने 17 साल 18 साल पहले जब जर्नी स्टार्ट की होगी, आई डोंट नो कि उस समय की क्या स्थिति होगी, मैं तो इनको जानता हूँ कि ये वेजिटेबल वेंडर थे। अब वहां से और वो भी सूरत में, ये नहीं कि बॉम्बे में है कि दिल्ली उठ के चले गए, तो ऑब्वियसली सूरत से इनको डेली आना और फिर सलमान खान के सलमान भाई के घर के सामने खड़े होकर के उनको देखना कि कभी मिल जाए कभी झलक मिल जाए, सेट पे जाना, बहुत सारा काम किया इन्होंने और 17 साल तक कंटिन्यूअसली किया है। तो ऑब्वियसली इस जर्नी में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग सपोर्ट कर सकते थे, जैसे गौरव ने सपोर्ट किया, अशोक जी ने सपोर्ट किया, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, दीपिका जी ने सपोर्ट किया, तो बस ये एक जर्नी है। अब देखते हैं शायद हम मंजिल तक पहुंच जाए, सलमान भाई अगर बुला लेते हैं हमें मिलने के लिए तो इंशाल्लाह बुला लेंगे। And I'll tell you something about him, he and Lakshman. Lakshman, I want you to also come here. Yeah? With Guruji till his last breath. That is the most important thing, that Guruji ka ashirwad jo hai na, wo hamesha last tak le jata hai.
आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप अरुण जी को आगे बढ़ाने के लिए आप सब आगे आए, आपका आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और अरुण जी की मेहनत अब सब वाकिफ हो गई है, सब जानते हैं कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी सर कि आप सूरत से आना जाना करते हैं, आप यहाँ आइए, ब्रिस्सा है इधर और ब्रिस्सा को सेवा की भी जरूरत है, आप सेवा कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको आगे आपको सक्सेसता मिलेगी। और ये आज देखने को मिल गया। तो किसी कहते ना किसी असहाय की सेवा करते हैं, और वो तो बहुत मतलब लीजेंडरी राइटर थे, लेकिन किस्मत ऐसी कि मतलब लास्ट पोजीशन में ऐसा समय उनको गुजारना पड़ा, लेकिन भगवान की भी इनके ऊपर ऐसी कृपा थी कि हमारे नसीब में उनकी सेवा लिखी हुई थी, इसलिए हम उनके पास पहुंच गए और हमने सेवा की, आपने सेवा की आज, इसलिए आपका ये रिजल्ट आप देख लीजिए। आप तो सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही आगे तरक्की करेंगे। और भाईजान ने, मैं तो भाईजान ही समझ रहा हूँ, क्योंकि भाईजान इधर ही खड़े हैं, तो डेफिनेटली आपका मिलना हो जाएगा। थैंक यू। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.